कितना बड़े हुए हो सारे यार रोड ते इश्तिहार शतूर पढ़ लेना टैलेंट है कैमरे भाई का मूँह ऐदा ना जिवें थरमोस हुंदा तुसी आपस चलो तुसी सानू क्यों डिरकी जांदे हो वो कौन सी जगह जहाँ पे मैं जीत से ज्यादा हार पसंद होती है पेट में 5 रुपए का डिब्बा फंस जाता तो लोगों से दुआ करवाता कहता यार दुआ करना पेमेंट बसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा नदीम और आप देख रहे हैं मेरा टीवी। आज मैं मौजूद हूँ मीनारे पाकिस्तान में और आज हम यहाँ लोगों से पूछेंगे कॉमन सेंस के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर वक्त मिल सके। ये चलते हैं पब्लिक की तरफ और पब्लिक से पूछते हैं कि उनकी कॉमन सेंस कितनी अच्छी है। आइए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फाहद। अच्छा फाहद मुझे बताओ मैं आपसे पूछती हूँ कॉमन सेंस कैसी है? वो क्या होती है? अच्छा कितना बड़े हुए हो? सारे यार रोड ते इश्तिहार शतूर पढ़ लेना नहीं वैसे क्वालिफिकेशन क्या है? वो क्या होती है? कितना पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे ओ 8 पढ़े लिखा 8। अच्छा आगे नहीं पढ़े? नहीं आगे पर चलो मैं सवाल करनी है तुम्हारे नाल। वो कौन सी चीज़ है जिसको जो खाने के बाद हमें नज़र आती है? खाने के बाद नज़र आती है? खाने के बाद हमें नज़र आती है, पहले नहीं हमें नज़र आती, जब हम खा लेते फिर पता चलता है। अच्छा अच्छा वो तो माँ को सारे नहीं पैंदियां ने सवाल है सोचो दिमाग लड़ाओ नहीं पता सॉरी। चलिए आपसे दूसरा सवाल कर लेती हैं, वो मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है? सोखे सवाल पूछो। अच्छा सोखे सोखे क्या होता है? आसान सवाल। अच्छा चलिए आसान सा सवाल पूछ लेते हैं आपसे, वो चीज़ मुझे बताएं जहाँ पे लोग जीत से ज्यादा हार पसंद करते हैं वो कौन सी जगह है? वो जगह जिथे लोग कहते सू जितना लो चंगी हार लगती है हार कि जगह जगह सोचो तू क्या सौखे पूछो तुम फिर बातें कोई भी सौखा नहीं हो सकता नहीं ये थोड़ा जहा औखा इस तो थोड़ा जहा सौखा पूछो काम देना चाहते हो पब्लिक को पब्लिक को पगल एक आवाम नो कोई पैगाम देना चाहते हो तो वो दस दो मुंडे ने दे दिता बस ओते ही अमल कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हमजा। फाहद। जमान। अनस। अच्छा चलो अपना कोई टैलेंट दिखाओ पाकिस्तानी आवाम नो। टैलेंट है कैमरे भाई का मूँह ऐदा ना जिवें थरमोस हुंदा तुसी आपस चलो तुसी सानू क्यों डिरकी जांदे हो? दो चार मैनू भी ला दो मैं कोई मसला नहीं सब तो वड्डा फल बेरा सारे ओनू लाए जाते किसी और भी ला दो क्यों इन्हें पॉपकॉर्न नहीं खवाए? हाँ जी आयो भाई तुसी भी आयो देख पुठी खुलनी सीधी नहीं होनी पुठी खुलनी आयो इत आयो इधर आया गल ही है गल ही है यादगारी है ए पिंड नहीं है आया इधर आ दस पट्ठे दे आए हैं पट्ठे दे आए हैं आपा आया और आप बोले हैंड फ्री लाई यू चलो आयो जुगता करो अब जाते ना आया नहीं मेरे ना क्यों आया मेरा मुन्ना किधर गया मुन्ने इधर आ कहाँ से आए हो? मैं मेलसी मेलसी से आए हो क्या करने आए हो? मैं घूमने क्या क्या घूम के की देखा है? खेलने आया तो झूले खाने आया झूले तो लोग लेते हैं आप खाने कैसे आ गए? मैं वैसे ही आया वैसे क्यों आए? बस मैं पूंडी करना है
नहीं थोड़ी ने को सेट होई है जे मैं टुन्ने फिरने आया हूं टुन्ने फिरने बस मैं वैसे आया हूं बाकी मैं लोगों को दस दे मैंने तो घर दस देना वा कुड़ी ने छेड़न आया ना कोई पैगाम देना चाहते हो लोड़ियां नु लोड़ पिंड चुके ने थले मिले ने लिफ्ट करवाई हाली तक कोई भी टैलेंट इंसान में हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है हमारे में जो टैलेंट है वो मुख्तलिफ किस्म का है चलें कोई एक ही दिखा दे पुंडी है बस वो आप दिखा नहीं ना सकते दिखारी तो रहे हैं अच्छा तो चले आपस में जुकता ही मार लो इतना पागल होता है खम्भे के ऊपर दही पत्ते लगाए होते हैं इसने तो मैं कहना उत्ते को लेने कहना थले बच्चे हाथ मार देने इतना पागल होता है ना दरिया में डाई मारते हैं मच्छी आती है तो मच्छी ने सुट देना बाहर कहना तू बाजा मेरी खैर है अब इनके ना जंजला आ रहा होता है अपनी मम्मा कहता है कि ना मम्मा जंजला आ रहा है तो उसकी मम्मा कहती है उसको ना बैठक में उठाओ मैं आ रही हूँ इसके ना बेड में 5 रुपए का ढिब्बा फंस जाता तो लोगों से दुआ करवाता है कहता यार दुआ करना पेमेंट बसी ना इतना पागल होता है इसके पापा कहते हैं कि ना जा खोते को पानी डाल गया तो कहता है कि मामा पापा मेरा गला ख़राब है तो उसके पापा कहते हैं पानी यहाँ से डालना कि मुँह से डालना तो कहता है कि बुर तेरा प्यो करेगा चलो फिर तुम दस दो कैमत कार्ड छपाए मैमरी कार्ड चालू पढ़ाई क्या नाम है आपका मोहम्मद कासिम खान अच्छा मोहम्मद कासिम मुझे ये बताएं कॉमन सेंस कैसी है आपकी तकरीबन तो फास्ट ही है कितना पढ़े हुए हो मैं आईकॉम क्लियर ही हूँ अच्छा मुझे बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने के बाद हमें पता चलता है कि हमने खा ली है खाने के बाद तो खाने ही है जो खानी है उसके बाद तो खा ली है कोई तो चीज़ें जो हम खाते हैं हम देखते हैं कि हम ये चीज़ खा रहे हैं लेकिन वो चीज़ हम पहले खा लेते हैं बाद में हमें पता चलता है कि हमने चीज़ खा ली है पहले नहीं हमें पता होता कि हमने खानी है कि नहीं खानी वो तो फिर हवा ही है नहीं हवा तो नहीं है कुछ और है आंसर नहीं रोटी तो हम देख के खाते हैं लेकिन जुतियाँ तो हर कोई खाते माँ प्यो को लो नहीं इसका जवाब कोई और है सोचे ये खाने वाली चीज़ है खाने के बाद हमें पता चलता है कि हमने वो चीज़ खा ली है नहीं जी इतनी कॉमन सेंस तेज चले मैं आपसे दूसरा सवाल कर लेती हूँ वो कौन सी जगह जहाँ पे हमें जीत से ज़्यादा हार पसंद होती है वो जीत से ज़्यादा हार पसंद होती है हाँ वो ऐसी जगह है होती है क्या बात है आंसर ये नहीं है लेकिन सवाल का जवाब यही है तकरीबन नहीं आंसर बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज़ है वो जगह जहाँ पे हम जीत से ज़्यादा हार पसंद करते हैं नो जी ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है अच्छा चले जानवरों से मुतल्लिक पूछ लेती हूँ वो कौन सा जानवर है जो आंखें बंद करके भी देख सकता है आंखें बंद करके भी चमगादड़ होगा नहीं चमगादड़ नहीं है वो मेरा दोस्त हाफिज है एक आंखें बंद करके भी देख लेता जानवर का पूछा इंसानों का नहीं पूछा नहीं जी ये भी थोड़ा आउट है थोड़ा क्वेश्चन
चलिए कोई पैगाम अपना पहुंचाना चाहते हो पाकिस्तानी आवाम के लिए? पाकिस्तानी मेरे दोस्त है सऊदीया में। अच्छा चलिए उसके लिए पैगाम दे दें सऊदीया में। मानो भट्ट जी, मतलब हम यहाँ पे हैप्पी हैं, आप वहाँ पर बस अपना काम शाम सेट करें, अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए आ जाओ बस जल्दी से, बस ये कहेंगे हम। तो वहाँ बैठ के भी तो घर वालों को सपोर्ट कर रहा होगा। लेकिन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ उसकी कमी है घर में अकेला वो। बेशक ऐसे आई एग्री विद यू, थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हमने लोगों से दो सवाल पूछे। आज का जो हमारा पहला जवाब था वो था ठोकर। ठोकर खाने के बाद हमें पता चलता है ये चीज़ हमने खा ली है। और हमारा दूसरा जवाब था फूल की दुकान। हर कोई फूल की दुकान पर जाकर हार खरीदना पसंद करता है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद थी मीनारे पाकिस्तान में और आज हमने यहाँ लोगों से इंटरेस्टिंग फ़नी क्वेश्चन किए और साथ ही साथ लोगों ने आपस में झुकते भी मारी। और मेरी न्यू से न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरा टीवी को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी होस्ट आयशा नदीम को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक न्यू क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।